हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार वर्मा आज फिर एक रेनेटस नोवा का ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आपके सामने आया हूँ। ये अपनी जबानी खुद बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी। सर जी, आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार नाम। सर, क्या प्रॉब्लम थी आपको? हमको प्रॉब्लम थी पथरी रहे गाल ब्लेडर में, पित्ताशय में। पित्ताशय में यानी गाल ब्लेडर में। कितने एमएम की कितनी स्टोन थी? 17 एमएम की दो स्टोन थी। दो स्टोन थी। आपने कहाँ कहाँ पे दवा कराया? हम अपने गांव, जब दर्द होता है ज़्यादा तो वहाँ पर इंजेक्शन लगवाएं जी। फिर जो है बहराइच गए जी, अल्ट्रासाउंड कराएं तो पता चला कि पथरी है जी। तो हमने सर्वे शुक्ला का भी दिखाया जी, और डोलिया में ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ? तो उससे जब दर्द हुआ करता रहा तब इंजेक्शन लगवा ही लेते रहें जी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला जी। लेकिन हमारे दोस्त हैं एक जी, श्री पाठक जी हैं जी, दीपक कुमार जी, उन्होंने बताया कि हमारे माता जी की दवा चल रही है जी, इसके कारण उनके माता का पैर वैर में बहुत दिक्कत था, उठने बैठने में आँख से भी कम दिखाई देता था। लेकिन डॉक्टर से सलाह करने के बाद में बताया गया कि ये जो है दवा आपके कई रोगों में काम कर रहा है, और उन्होंने इस विश्वास की वजह से हमको दवा दिया और हमने चालू कर दिया। और दवा करते करते हमने 3.5 महीने जब क्रैश हुआ तब हमने दोबारा जो है अल्ट्रासाउंड कराया जी। उस समय हमारी जो है पथरी सब गल करके कीचड़ के रूप में हो गई और छोटे छोटे हो गए एकदम से, जो कि नाप में नहीं थी। और इससे हम बहुत रेनेटस खाते हुए लगभग आपको अभी कितने दिन हो चुका है? हम इस समय जो है 5वां महीना पूरा हो गया है। 5वां महीना पूरा हो गया है। लेकिन 17 mm की जो दो स्टोन दिखा रही थी वो अभी अल्ट्रासाउंड में सिर्फ ओनली फ्यू स्टोन्स एंड स्लज दिखा है। आपने यही दवा लिया था? जी जी, हम 5 डिब्बा खा चुके हैं, 5वां महीना क्रॉस हो गया है, और 6वां डिब्बा लेने हम आए हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि और किसी को ये दवा लेनी चाहिए? जी, हमें ये लगता है कि ये जो दवा है हमारे सभी कई प्रकार की बीमारियों पर काम करता है, इसलिए हर लोग को लेना चाहिए, चाहे उसको टीबी हो या जो है शुगर हो।